जी, दादाजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम बसंत लाल है। पंप लग गया है, ऐसी सरकार कभी आई है ना आएगी, ये सुन लीजिए। लगा था को कुछ विकास का काम भयल बा मछली शहर में और तुहरे गांव में। हाँ, नल लगल बा, बत्ती लगल बा। की देले? पीपी सरोज। पीपी सरोज देले नी? का देले? नल हो, बत्ती हो, लगल हो बाबा जी। उधर लगा था कि नेता कैसन तो है, चाहिए नेता बढ़िया है। अच्छा, नेता अच्छे हैं? अच्छा नेता। आपके सुख दुख में आते हैं कि नहीं? कभी आते हैं, आते हैं सुख दुख में। और क्या लग रहा है कि जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी, आधार बढ़िया रहेगा। कितना विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ। क्या लग रहा है चाचा जी, कितना विकास हुआ 2024 के लिए? बहुत बहुत विकास हुआ, बहुत बहुत विकास हुआ। पानी हुआ, लाइट लग गया, सब व्यवस्था हो गया, जनता सुखी है। और मछली शहर लोकसभा की हम बात करते हैं, कितना विकास हुआ मछली शहर? अरे यहाँ 100% विकास हुआ, क्या चाहिए। परम बाबा तंदर होगा, हमारे गांव में लाइट हो गया पूरा, कम से कम 5-7 से लाइट आई है, हैंड पंप आया है। जो भी जनता को अन्न धन योजना के लगे, किसान पीएम किसान निधि मिल रहा है, क्या मिलेगा, सड़क रोग सब बच्चा है। मछली शहर की जनता की क्या मांग है? मोदी सरकार। अभी आपके सांसद कौन है यहाँ? बीपी सरोज जी। क्या कभी दिखे आपके क्षेत्र में? जी बराबर दिखते हैं, क्षेत्र में आपके बराबर दिखते हैं जी। क्या लग रहा है, कैसा संसद चाहते हैं? बीपी सरोज जैसा चाहिए। क्या गुण है बीपी सरोज में कि आप बीपी सरोज को चाहते हैं? बराबर दिखते हैं, क्षेत्र में चलते हैं। कभी आए जी? आए बिल्कुल। क्या आपके गाँव में कभी सोलर लाइट वगैरह सब जो योजनाएं थी उनका लाभ मिला है? जी मिला है। का भर कुछ लाभ हम मिलल बा? मिलल बा, नल गड़ल बा, पानी पिया था। ये बात हो रही है सांसद बीपी सरोज। अच्छा बीपी सरोज, आप कहाँ सांसद? कुछ देले उले बहन आपके ग्राम सभा में कुछ विकास बोल बा? हाँ, ये बत्ती उत्ती दिए हैं। अच्छा बत्ती उत्ती देले बहन। सांसद आपके बीपी सरोज। क्या लग रहा है बीपी सरोज अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ विकास का काम कर पाए हैं? कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए, बिल्कुल विकास का काम किए हैं। कभी दिखे हैं इधर आपके क्षेत्र में? हाँ, आते जाते रहते हैं, प्रोग्रामों में आते जाते रहते हैं। यहाँ के सांसद बीपी सरोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखिए ये सामने जो अभी रोड बन रहा है 32 करोड़ की लागत से, इस रोड को भाई बीपी सरोज द्वारा दिया गया है और चौड़ीकरण हो रहा है, तो विकास की धारा, लाइट हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड हो, तो काफी कार्य कराए हैं यहाँ पे सांसद जी द्वारा, जैसे कि हो रहा है। भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि खबर SNS टीवी द्वारा चलाए जा रहे मुहिम SNS टीवी चला गांव की ओर के तहत आज हमारे संवाददाता आशीष सिंह द्वारा लोकसभा मछली शहर का निरीक्षण किया गया। वह वहां के सांसद बीपी सरोज द्वारा लोकसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जनता से राय भी ली गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि खबर SNS टीवी ने एक मुहिम छेड़ा है कि खबर SNS टीवी चली गांव की ओर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, तो इस समय हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा मछली शहर में, और मछली शहर के हम इस समय पिंडरा विधानसभा के हरिजन बस्ती में पहुंचे हुए हैं। एक ग्राम सभा है बहुतरा, और जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ कई गाँव के लोग हैं जो कि गाँव में बसते हैं, और जहाँ से एक विकास की धारा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी जो है विकास की यात्रा गांव से शुरू हो रही, तो आज हम उनकी हकीकत को जानने के लिए आज हम इस लोकसभा मछली शहर में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ की जो ग्रामीण स्तर के जो गांव में बसने वाले लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा मछली शहर में कितना विकास हुआ और यहाँ की जनता क्या चाहती है। जी चाचा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बसंत लाल है। जी बसंत लाल जी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आ गया? जी बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है कुछ है। ये आपके मछली शहर में पड़ता है जी, जी कितना विकास हुआ आपके लोकसभा में। हम देख रहे यहाँ बाबा तल लग गया, क्या लग गया, सोलर लाइट लग गया, पंप पानी का पंप लग गया है। ऐसी सरकार कभी आई है ना आएगी, ये सुन लीजिए जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरकार। कौन है आपके यहाँ सांसद? बीपी सरोज जी। बीपी सरोज कभी आपके यहाँ दिखे? दिखे थे जी बिल्कुल, दिखे हाँ, हैं। दिखे हैं जी। क्या लाभ मिला आपके ग्राम सभा में उनका? उनका मतलब कि सारी सुविधाएं मिल रही है जो है जी, बिल्कुल। ये आपके जो आपके यहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है जी, जी यहाँ पे देखा जाए तो उनके द्वारा ये आपका नल लगा हुआ है? हाँ नल लगा, उनके द्वारा नल लगा है। और बिल्कुल इधर, और इधर क्या है, इधर सोलर लाइट लगा हुआ है जी बिल्कुल। इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि इधर भी देखिए, सोलर लाइट भी लगा हुआ है इस हरिजन बस्ती में, और यहाँ पे नल भी लगा हुआ है, और काफी कुछ और लोग हैं, कुछ माताएं बहने भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जी। माता जी नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? जी बिल्कुल, कहा लगा था कुछ विकास का काम भयल बाल मछली शहर में और तुम्हारे गाँव में? हाँ नल लगल बा, बस्ती लगल बा बाबा जी के। अच्छा के देले से? का नाम बताना? बीपी सरोज। बीपी सरोज देले नी? का देले? नल हो, बत्ती हो लगल हो बाबा जी, उजार हो गल सब अंधारे आओ तो उजार हो गल। अच्छा तो यहाँ जैसे नल लग गल तो ये बाबा साहब के मूर्ति के लग गए तो यहाँ लोग आवत रहा पानी पिए बदे, अब का लगा था? अब अच्छा लगा था नल लग गल तो पानी पिए बदे सबको। तो का लगा था कि नेता कैसन तो है चाहिए? नेता बढ़िया है। अच्छा नेता अच्छे हैं? अच्छा लगता। आपके सुख दुख में आते हैं कि नहीं? कभी आते हैं, आते हैं सुख दुख में। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, मुझसे चाचा जी आपका नाम क्या है? हरगेज जी। क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और क्या लग रहा है कि जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी। किस बेस पे बनेगी, क्या आधार रहेगा? आधार बढ़िया रहेगा। कितना विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ। विकास में क्या क्या हुआ, कुछ नाम बताइए। बहुत कुछ हुआ भैया, अब तो हम कितना नाम बता सकेंगे। आपके ग्राम सभा में क्या क्या हुआ? अरे हमारे नल लग गया, बत्ती लग गया है, रोजगार हो गया सब। अच्छा बहुत कुछ मतलब बहुत बढ़िया हुआ जी जी। हाँ जी जी। तो देखिए इस समय हम मौजूद हैं दूसरे गांव के दूसरे छोर पे आ गए हैं, और बहुतरा ही ग्राम सभा में, और यहाँ पे हम एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है वहाँ पे हम मौजूद हैं, और काफी संख्या में यहाँ पे चर्चा लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यह लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र में आता है, क्या लग रहा है चाचा जी कितना विकास हुआ 2024 को लेकर? बहुत बहुत विकास हुआ, बहुत बहुत विकास हुआ। पानी हुआ, लाइट लग गया, सब व्यवस्था हो गया, जनता सुखी है जी बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी देखा जाए तो 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव राहुल गांधी फिर एक बार से गठबंधन किए हैं, एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि नहीं हम उत्तर प्रदेश से 70 सीटें जीतेंगे। चला भाई ठीक बा, ठीक बा, जीतिया भगवान बनल है जौन हो। और इधर बीजेपी का लक्ष्य है कि हम 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो दोनों तरफ देखा जाए तो एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है, दूसरी तरफ मोदी को हराने के लिए सारी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन ताकतें कहीं ना कहीं फेल होती जा रही हैं। कुछ लोग इधर से उधर पाला बदल रहे हैं। समय होला सब चीज का, भगवान है सब हो जाइए, विजयी हो जाइए। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर मोदी को हरा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? साफ हो जाए है, न हार जीती है न हार गई है जी बिल्कुल। देखिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम... क्या लग रहा है कि लोकसभा जो है मछली शहर है? हाँ। और मछली शहर लोकसभा की हम बात करते हैं, कितना विकास हुआ मछली शहर? अरे यहाँ 100% विकास हुआ, क्या चाहिए। ब्रह्म बाबा टनल होगा, हमारे गाँव में लाइट हो गया पूरा, कम से कम 5-7 से लाइट आई है, हैंड पंप आया है, जो भी जनता को अन्न धन योजना के लगे किसान पीएम किसान निधि मिल रहा है, क्या मिलेगा, सड़क लोग सब बच्चा है। इस बार राहुल और अखिलेश साफ हो जाएंगे, यहाँ से खाता नहीं खुलेगा जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जैसे जो ग्रामीणों की जो समस्याएं थी आज देखा जाए, आज के 15% जी बिल्कुल, 100% आयुष्मान कार्ड बन गया हम लोगों का जी जी जी। तब बिल्कुल शौचालय की स्थिति, शौचालय एकदम 100% सब घर गाँव गाँव शौचालय मोदी जी बनवा दिए हैं, आयुष्मान कार्ड हो गया है, 5 साल फ्री योजना राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए हम लोगों को जी बिल्कुल। देखा जाए तो इसी कड़ी में और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जी। नाम क्या है आपका? विवेकानंद मिश्रा।
जी क्या लग रहा है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? और हम बात करते हैं खास, हम मछली शहर संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं, मछली शहर की जनता की क्या मांग है? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बिल्कुल, मतलब मोदी सरकार ने जो काम कर रहे हैं और जो विकास का काम कुछ धरातल पे दिखाई दिया है ना, वो सामने ही दिख रहा है, नल है, वो बत्ती है, सब कुछ। अरे सबसे ज्यादा दिख रहा है राम जन्म, राम जन्म अयोध्या में। जी बिल्कुल, जो बहुत सालों से जो विवाद लग रहा था कि जैसे ही चुनाव आता था ये होता था कि बीजेपी जो है केवल राम मंदिर पे चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो राम मंदिर का भी मुद्दा अब समाप्त हो गया, मतलब हो गया पूरा। जी बिल्कुल, जानने की कोशिश करेंगे। एक और जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम सनी भंकर मिश्रा है। जी सनी जी, आप बताइए क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, और खासा इस समय हम लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं, क्या लग रहा है मछली शहर संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ? नहीं, विकास तो 100% हुआ है और हम मोदी जी का आभार करेंगे इस तरह से हमारे हर ग्राम विकास को जो है विकास करने के लिए। जी जी, और हर गाँव में खरंजा, नल, हैंडपम्प, लाइट, बिल्कुल काम दिए। जहाँ पे बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली की समस्या को निर्धारित किए, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार करेंगे। और हम आगे यही प्रस्ताव करते हैं, अपने गांव सभा जनता से भी यही बोलते हैं कि आने वाले समय में वोट बीजेपी को ही मारेंगे। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो हम ग्रामीण धरातल पे आए हुए हैं, गांव-गांव हम पड़ताल कर रहे हैं अपने खबर एसएनएस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कि खबर एसएनएस टीवी चली गांव की ओर, और लगातार हमने कई गांव का पड़ताल किया तो देखा जाए तो काफी जनता जो है जो धरातल पे जो काम हुआ है वो लोगों को दिखाई दे रहा है, चाहे वो राशन का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे आप इधर हम आपको नल दिखा रहे हैं, तो जगह जगह जो काम हुआ है वो एक तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को जो किसान निधि की योजना है वो भी लोगों को मिल रही है। तो एक तरीके से देखा जाए जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट जो है जनता तक पहुंच रही है, जिससे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं, अपने को कहीं ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ये चीजें जो आ रही हैं वो हमारे हित में है, हमारे जीने खाने के लिए आ रही है। तो लोगों को राशन जब मिलता है, अभी हमने लोगों से बात किया था, कहा कि भैया पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में हम लोगों को समय से राशन और समय से जो है पहले बिजली 15 घंटा 10 घंटा और सिर्फ बिजली आ रही है, बिल्कुल सिर्फ वाइज बिजली होती थी। लोगों का कहना होता था कि बिजली जो आती थी 2-3 शिफ्ट में आती थी, 10 घंटे जो है दिन में आती थी, तो कभी 1 हफ्ते 10 घंटे रात में आती थी, लेकिन आज देखा जाए तो बिजली लगभग 24 घंटे है, उसमें से अगर कटौती लेके देखा जाए तो 22 घंटे ऑलरेडी भी गांव में बिजली मौजूद है, जो कि ग्रामीणों के लिए बहुत खुशहाली का माहौल बना हुआ है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो खेती की सिंचाई को लेके होती है, लेकिन आज जो बिजली की जो समस्या है वो लगातार हम देख रहे हैं, तो बहुत हम ग्रामीण अंचलों में भी गए तो ये समस्या हमको देखने को नहीं मिल रही है। किसान खुशहाल है, दिन में सिंचाई करा, रात में जागने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अभी हम चलेंगे अन्य गांव की तरफ, वहां भी हम देखेंगे कि लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव में जो है मछली शहर संसदीय क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? जी हुआ है। किस तरीके का विकास हुआ है? सड़क का हुआ है, बिजली का हुआ है, जी स्वास्थ्य का हुआ है, जी इन सब तीनों चीजों का विकास हुआ है। क्या कभी आपके सांसद कौन है यहाँ? वीपी सरोज जी। क्या कभी दिखे आपके क्षेत्र में? जी बराबर दिखते हैं क्षेत्र में, आपके बराबर दिखते हैं जी। तो बिल्कुल, क्या लग रहा है कि जैसे अभी तो टिकट किसी को मिला नहीं है, जी जी क्या लग रहा है कैसा सांसद चाहते हैं? वीपी सरोज जैसा चाहिए। जैसे क्या गुण है वीपी सरोज में कि आप वीपी सरोज को चाहते हैं? बराबर दिखते हैं, क्षेत्र में चलते हैं। अच्छा, क्षेत्र में बराबर आते हैं, क्या लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं? जी बिल्कुल। लगातार आपके गांव में कभी आए हैं? जी आए। जी बिल्कुल, क्या आपके गांव में कभी सोलर लाइट वगैरह सब जो योजनाएं थी उनका लाभ मिला है? जी मिला है। जी लगा है? जी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, तो मतलब क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? जी। तो क्या चाहते हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं? जी। मतलब बीजेपी का लाभ आपको मिला हुआ है? जी। आपके गांव के लोगों को मिला हुआ है? बिल्कुल, राशन मिल रहा है? जी राशन बराबर मिल रहा है। जी देखिए, इस समय हम आए हैं मछली शहर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में, और क्या नाम है आपका, कहा नाम हो तो हार? बस। अच्छा, का भल कुछ लाभ हम मिलल बा? मिलल बा, नल गड़ल बा, पानी पिया था। ये बात हो रही है इनका सांसद बीपी सरोज।
अच्छा बीपी सरोज आप कहाँ कहा था कुछ देले वाले बहन आपके ग्राम सभा में कुछ विकास भल बा? हाँ ये बत्ती उत्ती दिए हैं। अच्छा बत्ती उत्ती देले बहन। अच्छा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं कि नल भी लगा हुआ है जैसा तो यहाँ पहले पानी पिए ज्यादा दिक्कत होता रहा? दिक्कत है न रहा, जल उल देवा आई तो घर से पानी लेके आओ को। अच्छा अब मतलब पहले से ये आराम हो गल बा? हाँ आराम है न बा। रमा शंकर पटेल। रमा शंकर जी ग्राम सभा कौन सा है आपका? बराई जी। बिल्कुल आपको चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ क्या लग रहा है कि मछली साहब संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है। ये किसका विकास हुआ है? सड़क का है, बिजली का है और सोलर पोलर भी लगा है जी। बिल्कुल। और राशन पानी मिल रहा है? हाँ राशन पानी मिल रहा है। ये कौन है सांसद आपके यहाँ? बीपी सरोज। ये क्या लग रहा है बीपी सरोज अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ विकास का काम कर पाए हैं? कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल विकास का काम किए हैं? बिल्कुल। कभी दिखे हैं इधर आपके क्षेत्र में? हाँ आते जाते रहते हैं, प्रोग्रामों में आते जाते रहते हैं। बिल्कुल मतलब कोई कार्यक्रम रहता है तो आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। क्या लग रहा है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। बिल्कुल विपक्ष में कुछ दिख रहा है आपको इस समय? अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ साथ आ गए हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी जो है पीडीए का संकल्प लिए हैं? अखिलेश यादव क्या लग रहा है कि एक बार फिर तो पीडीए की सरकार और जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर जो है कुछ कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अभी उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है जी। हाँ दम नहीं दिख रहा है। दम नहीं दिख रहा है? विपक्ष कमजोर सा हो गया? कमजोर सा एकदम। क्यों विपक्ष इतना कमजोर हो गया? ये क्या किया जाए? क्या जमीनी स्तर पर कभी नेता दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं इसीलिए ना विपक्ष कमजोर हो गया है। अच्छा बिल्कुल दिखे नहीं इसीलिए कमजोर हो गया है। के बाद इस ग्राम सभा के विकास करने के बाद इस गांव के हम मुखिया से भी मिलने की कोशिश किए, फोन से वार्ता करने के बाद प्रधान जी भी यहां पे मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो है लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव को और क्या कुछ विकास हुआ लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र को लेकर, उसके बारे में कुछ आप बताएं। जी धन्यवाद मीडिया बंधु। जैसे कि 2024 का आगे चुनाव है तो हम पहले तो अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मोदी जी के कार्य क्षेत्र में जो गांव सभा में विकास की धारा बह रही है लोग देखने को मिल रहा है जी। उसके बाद मैं अपने यहाँ के सांसद बीपी सरोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अभी देखिए ये सामने जो अभी रोड बन रहा है 32 करोड़ की लागत से इस रोड को भाई बीपी सरोज द्वारा दिया गया है और चौड़ीकरण हो रहा है तो विकास की धारा लाइट हो चाहे शौचालय हो चाहे बिजली हो चाहे राशन कार्ड तो आयुष्मान कार्ड हो तो काफी कार्य कराए हैं यहाँ पे सांसद जी द्वारा जैसे कि हो रहा है और हमारे विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी भी हैं तो उनके द्वारा भी यहाँ पे काफी कार्य कराया जा रहा है तो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो बीजेपी के जितने भी सांसद विधायक हैं तो विकास की धारा को बहा रहे हैं यहाँ पे गांव सभा में। इसके जैसे कि हमें यहाँ पे जैसे प्याऊ देखिए यहाँ पे पहले मटका राहियों बटोहियों के लिए जैसे आते जब गर्मी आ रहा है तो मटका रखा जा रहा था लेकिन अच्छा, सांसद यहाँ पे जैसे देखिए प्याऊ का व्यवस्था प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी कि जैसा कि यह रोड है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है तो लोग इसकी छाया में रुकते थे लेकिन जब चूंकि प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे कोई ऐसा नल नहीं था तो यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था थी लेकिन इसको देखते हुए आपने क्या डिमांड किया? हमने सांसद जी से बोला कि भाई देखिए यहाँ पे गर्मी के दिनों में काफी लोग रुकते हैं, यहाँ दुकान भी है तो लोग रुक के पानी पीते आसरा रहता है तो हमने सांसद जी से बोला सांसद जी हमें एक नल उपलब्ध करा दीजिए जिससे कि रास्ते पे जो आते जाते हैं भाई उनको पानी की सुविधा हो जाए और यहाँ पे रुक के पानी पिए, यहाँ पे 2 मिनट ठहरे। तो बिल्कुल देखिए उनके द्वारा ये शायद नल भी लग गया है अब तो पानी उनी इसमें से निकल रहा है, पानी निकल रहा है, थोड़ा सा चला के दिखाइए कि पानी निकल रहा है कि नहीं। देखिए ये नल लगा हुआ है, पानी भी दे रहा है और पानी भी हम देख रहे हैं कि एकदम साफ दे रहा है। तो जो मटके में पानी पीने की व्यवस्था थी और आज देखा जाए तो सांसद के द्वारा यहाँ पे नल लग गया तो जो यहाँ के काफी कम से कम रोज हजारों की संख्या में आते जाते हैं यहाँ पे कम से कम 300-400 लोग पर डे रुकते हैं और पानी भी देखिए पीते हैं। अब तो और लग अच्छा मटके से अच्छा है कि अपना स्वयं
एक लग बाय चांस पानी अगर नहीं भी रखा जाता तो अपना नल से पानी पी सकते हैं। इसके अलावा भी सांसद जी के द्वारा ही देखिए छोटे ग्राम सभा में इतना बड़ा पंचायत भवन, भाई सांसद जी की देन है, विधायक जी की देन है, दोनों जन के रिकमेंड पे हमारा 27 लाख का पंचायत भवन बहुत देसी परियोजना के द्वारा बन रहा है, जिसमें 8 रूम 1 हॉल बन रहा है, तो सारे सांसद विधायक जी की देन है, क्योंकि इस छोटे से ग्राम सभा में इतना बड़ा पंचायत भवन वाला मेरा संभव नहीं था। इन्हीं सांसद जी के द्वारा, बीपी सरोज जी द्वारा, डॉक्टर अवधेश विधायक जी द्वारा हमें रिकमेंड से ये पंचायत भवन मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सांसद जी को, विधायक जी को। मैं चाहता हूं कि फिर से सांसद जी को दोबारा टिकट मिले, फिर से वो जीत कर हमारे आवाज को संसद भवन में बुलंदी के साथ रखे और विकास की जो धारा है ऐसे ही बहती रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इनके ये छोटा ग्राम सभा होते हुए भी इनके गाँव में बहुत सारी ऐसी चीजें हुए कि जो इनके माध्यम से जो सांसद और विधायक के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया गया, तो काफी कुछ देखा जाए तो लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ जो धरातल पर नजर आ रहा है, जो हम आपको अपने चैनल खबर एसएनएस टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए आप हमारे साथ खबर एसएनएस टीवी न्यूज चैनल की।